नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आज हम स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बारे में हम आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से किस तरह आजाद हुआ और हमारे इस देश के आज़ाद कराने में किन किन महान नेताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस बार का स्वतंत्रता दिवस बदलाव के साथ नजर आएगा। इस बार भीड़ एकत्रित कर कोई कार्यक्रम नहीं होगा, इसकी बजाय राज्यों और सरकारी कार्यालयों को अपने समारोह को डिजिटली आयोजित करने को कहा गया है। दिल्ली में लाल किले पर भी हमेशा की तरह इस बार भव्य कार्यक्रम नहीं होगा। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 1000 अतिथियों की बजाय इस बार 250 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। समारोह में बच्चों की भागीदारी भी नहीं होगी। इस बार के समारोह में प्रधानमंत्री का भाषण होगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान होगा, तिरंगे के रंग वाले गुब्बारे उड़ाए जाएंगे। इस साल पहली बार न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जगह होते हैं। पुरानी दिल्ली के लाल किले के ऐतिहासिक स्मारक में प्रधानमंत्री के झंडा फहराने के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक परेड सशस्त्र बलों और पुलिस के सदस्यों के साथ होती है। प्रधानमंत्री तब देश को संबोधित करते हैं जो पिछले वर्ष के दौरान भारत की प्रमुख उपलब्धियों को बताता है और भविष्य की चुनौतियों और लक्ष्यों को रेखांकित करता है। पूरे देश में यह दिन बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं, गीत गाते हैं, देशभक्ति के गानों पर डांस करते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्व है। स्वतंत्रता दिवस 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत और एक स्वतंत्र और स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र की स्थापना का प्रतीक है। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में भारत आज़ाद हुआ था। यह दो देशों भारत और पाकिस्तान में उपमहाद्वीप के विभाजन की सालगिरह का प्रतीक है। चूंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान ने 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया, फिर भारत में 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाने लगा। भारत में ब्रिटिश शासन 1757 में शुरू हुआ, जब पलासी के युद्ध में ब्रिटिश जीत के बाद अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर सालों तक शासन किया, जब तक कि इसे 1857 और 58 में भारतीय विद्रोह के मद्देनज़र प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय
स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ और इसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी ने किया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के शांतपूर्ण और अहिंसक अंत की वकालत की। यह दिन हमें अपने बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। उनके त्याग और बलिदान की वजह से ही आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में सांस ले रहे हैं। हमारे महान नेताओं के प्रयासों की वजह से देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में सफल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। न्यूज 29 इंडिया परिवार की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।